बट क्लच गॉड की लेफ्ट हैंड साइड से एक पिकअप ट्रक के साथ रोटेशन अभी भी कंटिन्यू है। वेल्डस के प्लेस लेजिट वो डर के आगे जीते वाला सिनेरियो यहां पर यूज कर रहे थे, बिकॉज वो गाड़ी उनके लिए मुश्किल हो सकती है। बट अब वेल्डस के प्लेस को पता है कि ओपन में जाएंगे तो भी फंसेंगे, अगर यहां पर रुके रहे तो भी फंसेंगे। 340 मीटर अभी भी सर्कल इनसे दूर है। TsmEntity को पता है कि इनके सामने, इनको पता है कि वहां पर मैन डिसएडवांटेज है। TsmEntity उसका फायदा उठा सकते हैं। जॉनसन ने डैमेज दिया, 51 का डैमेज यहां पर जॉनसन ने दिया। TsmEntity के बाकी प्लेयर्स पीछे जा रहे हैं। एनकोर वहां पर आ रहा है क्योंकि G9 को लेकर जा चुके हैं। अब ये बारी आती है एनकोर की, बिकॉज नहीं वहां पर उनके अगेंस्ट फाइट लेंगे, लेकिन यहां पर गॉडार्ड के लिए मुश्किल है। एक कोहली और यहां पर जॉनसन गॉडार्ड को लेकर जाएंगे। वन प्लेयर रिमेनिंग एंड विद दैट वेल्डस माइट जस्ट बाइट द डस्ट, बट उससे पहले हम जो नियो को डाउन कर दिया है। बट नीचे जाते जाते TsmEntity को 2 किल्स मिल चुके हैं। आज का एलिमिनेशन हर एक टीम यहां पर मुश्किलों में आ चुकी है। प्ले जोन आतंकी को लेकर जाता हुआ मावी वहां पर डाउन हो चुकी है। कमाओ के द्वारा माइक्रो पर डाउन हो चुके हैं। स्लेयर के द्वारा हर एक एरिया पर फाइट्स बहुत बेहतरीन बन चुकी है। राइजन वहां पर है, कमाओ वहां पर है, डैमेज डीलर्स स्नैक्स थे बट स्नैक्स हैज बीन टेकन आउट। बट यहां पर ज़क्सी भी डाउन हो जाएंगे। हर एक जगह पीटीआर के लिए मुश्किल है, सेल्स के लिए मुश्किल है, उनका एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और अभी भी टीम्स 11 बची हैं, 10 इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज, बिकॉज़ किंग ऑफ गेमर्स हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड। टॉप 10 टीम्स हमारे सामने, 29 प्लेयर्स आर अलाइव। आरसीएस के लूबा भी ट्राई कर रहे हैं अपने जोन के अंदर जाने के लिए। टीम 18 आप लोगों को दिखेगी, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बट ऊपर से यू लेवल अप का स्क्वाड उनके ऊपर दिक्कत देने की कोशिश करेगा। वेब सामने से अच्छा डैमेज जरूर दे रहे हैं, बट एक को ग्रेनेड लूफा का जाएगा, बट सामने होशवान के नॉकडाउन को, बट चक्सन को 1 एचपी करके गया है। वाला ग्रेनेड कमाओ आएंगे उस वाली फाइट के लिए, बट यहां पे क्या लूफा नॉकडाउन हो सकता है। बहुत ही पास है, वाला ग्रेनेड डैमेज जरूर देगा बट कितना देगा वो यहां पे देखने लायक है। बट लूफा का एक और प्री नेड जाता है वहां पे, बहुत ही प्यारा कुक था। और लूफा 1 एचपी जोन के अंदर, ही इज बेयरली सर्वाइविंग। यू लेवल अप का स्क्वाड वन साइडेड डोमिनेशन के थ्रू बाहर होता हुआ, बट टीम आईएनडी दे आल्सो गॉट एलिमिनेटेड। टी1 मसाला भी ट्राई कर रहे हैं, बट पीछे से दे गॉट बैकस्टेप किल्स यहां पे निकाल के जाएगी। मेगा स्टार के प्लेयर्स, एफएस के प्लेयर अभी भी यू कैन से जोन के अंदर जाने के लिए लड़ जरूर रहे हैं। मलिक अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। टी1 का स्क्वाड एलिमिनेट होगा, बट मेगा स्टार का ग्रेनेड आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा। बट देखते हैं, अभी भी 3 प्लेयर जिंदा है। बट रेड जोन्स यहाँ पर मेगा स्टार से बना दिए काफी बेहतरीन तरीके से। मलिक वहां पर काफी कम एचपी में, उनको अपनी हीलिंग्स लगानी पड़ेगी, बट बैंडेजेस ही बचती है, वो भी 2, वो भी 1 अब यहाँ पर। और मलिक को उसके बाद पूरी फाइट लेनी पड़ेगी। उन्होंने बाबा से उठाई यहाँ पर फर्स्ट एड्स अपने लगाने के लिए, बट मेगा स्टार दे आर रेडी फॉर अ फाइट। सर्कल TsmEntity के खाते में यहाँ पर जाता है, पूरा सर्कल TsmEntity को फेवर कर रहा है। उनके प्लेयर्स जिंदा है, उनके पास नंबर्स एडवांटेज है, सर्कल एडवांटेज है। बाकी सब टीम्स को उस एरिया में जाना पड़ेगा। बीटीआरपी के अंदर वो लोग एंट्री लेते हैं, नजारा इट्स जस्ट लाइक बीइंग अ मैजिक फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। 2 प्लेयर्स जिंदा हैं, फाइट वो लोग इतनी नहीं लेते हैं। हम लोग वापस इस टीम के ऊपर बार-बार नजर डाल रहे हैं, बिकॉज़ वो लोग परफॉर्म ही ऐसा कर रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से वो इन 2 प्लेयर्स को मैक्सिमाइज निकाल पाते हैं फाइनल सर्कल में। बट अभी TsmEntity पिन डाउन है। टीम सीक्रेट जो सदर्न साइड में, बहुत ही प्यारी पोजीशन इनकी भी है, बिकॉज़ हाई ग्राउंड एडवांटेज है। लेफ्ट हैंड साइड में अभी राइजन और लक्सी एंट्री करे, क्या उनको स्पॉट करेंगे? राइजन के पास फुटस्टेप जरूर आगे रहेंगे, टीपीपी एंगल रहेगा टीम यूआई। अब देखते हैं टीम जो टीम सीक्रेट यूआई है वो प्रीफर देने की कोशिश कर रहे हैं। लक्सी स्पॉट हो चुके हैं राइजन के लिए, अब वहां पे क्लोज एनकाउंटर गन निकाल देंगे। बिल्कुल यहाँ पर राइजन फाइट लेने की कोशिश कर रहे थे। यूआई गोस डाउन आउट इन दिस वन। अब टीम सीक्रेट के लिए मुश्किल हो जाएगी। 3 प्लेयर्स बचे हैं उनके, एक प्लेयर आगे डाउन है, वो लोकेशन सारी दे सकता है। एक सही ग्रेनेड अगर जाता है रेक्स की तरफ से, वो आगे प्लेयर्स को लेकर जा सकता है। आई शॉट स्मोक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूआई को फिनिश किया जा चुका है पीटीआर के लक्ष्य के द्वारा। लक्ष्य और राइजन रहेंगे, लेकिन लक्ष्य के पास एक ग्रेनेड आया था, लक्ष्य को मूव करना पड़ेगा साइड वाले एरिया पर। सही मूवमेंट पर वो मूव कर चुके हैं, राइजन फंस चुके हैं। लक्ष्य एक एरिया से रोटेशन डाल रहे, सर्कल अभी भी TsmEntity को पूरा फेवर कर रहा है। बट राइजन यहाँ पर पिक ऑफ हो चुके हैं आई शॉट्स के द्वारा। आई शॉट्स अपना पहला किल निकालेंगे उसके साथ, लेकिन लक्सी भी वहां पर बचे हुए हैं। लक्सी को सर्कल भी डैमेज दे रहा है, तरीके से सर्कल अगर उनके फेवर में नहीं है, बीटीआर से फाइट जा सकते हैं दूर। प्लस प्लेयर्स डिसएडवांटेज भी एक चीज है जो बीटीआर अभी फेस कर रही है। बिल्कुल, बीटीआर का लक्सी आखिरी प्लेयर बचा जरूर हुआ है, 6 किल उनके पास है। बट लेफ्ट साइड से मेगा स्टार्स का स्क्वाड है, ऊपर टीम सीक्रेट है। मैट यू वांट टू पुश रेक्स से सामने, क्या लगती ये वाली फाइट निकाल पाएंगे? मैट टॉय नॉकडाउन होते हुए अभी भी 2 प्लेयर मात्र बचे हुए। टीम सीक्रेट के रेक्स को डैमेज जरूर, बट पीछे से मेगा वेक्सी निकाल के जाएंगे वाली फाइट। बट बिगेट्रॉन रेड एलियन जरूर एलिमिनेट हुए, बट टीम सीक्रेट का भार अभी भी उनके ऊपर है। पैराडॉक्स जिंदा है, स्वैग को रिवाइवल यहां पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं देखना पड़ेगा। बट TsmEntity के अभी भी 4 प्लेयर जिंदा है, जो कि एक बहुत ही प्यारी पोजीशन TsmEntity ने अपने लिए बनाई है। किल्स भी बहुत ही प्यारी तरीके से 6 कलेक्ट करे, बट बिगेट्रॉन रेड एलियंस के पास 12 पॉइंट्स रहेंगे इस वाले मैच में एलिमिनेट होने से पहले। दैट इज लाइक वंडर्स, अभी जितनी टीम एलिमिनेट हुई है उनमें से सबसे ज्यादा पॉइंट्स है। बिल्कुल यहाँ पर TsmEntity 6 किल्स, मेगा सास 6 किल्स, रिजेक्ट स्कारलेट 5 किल्स है, टीम सीक्रेट के पास 4 और फ्री स्टाइल के पास 2 किल्स। लेकिन मलिक आप देखिए पीछे के एरिया पर है, सर्कल से हल्का सा बाहर, सर्कल का डैमेज अलग से ले रहे हैं। एफएस मलिक जाने से पहले वहां मेगा पैराडॉक्स को लेकर जाएंगे बट नाउ ही गोस डाउन बाय द प्ले जोन। 4 टीमें बचती है यहाँ पर इस पूरे एरिया में, मेगा सास, रिजेक्ट स्कारलेट, टीम सीक्रेट, TsmEntity, ये 4 टीमें यहाँ पर रहेंगी मेरा मार को अपना बनाने के लिए। और इन सब के बीच में सर्कल का एरिया सबसे अच्छा अब टीम सीक्रेट के पास आ चुका है, उनके पास रिजेस रहेंगे, उनके पास अपर एरियाज बट उनको आरसीएस से फाइट लेनी है। बिल्कुल, बट टीम सीक्रेट अभी 2 प्लेयर और जिंदा है, उनके पास एक हायर ग्राउंड है बट राइट हैंड साइड अगर वो लोग आरसीएस को क्लियर कर लेते हैं वो एक रूलिंग पोजीशन में आ जाएंगे जहां पे TsmEntity के प्लेयर्स को सिर्फ नीचे मेगा स्टार्स के प्लेयर से लड़ना है। वो स्प्लिट जरूर है बट वो फाइट इतनी आसान भी नहीं रहने वाली। स्वैग वहां पे जरूर कवर फायर देने की कोशिश करे बट पैराडॉक्स को नॉकडाउन करके जॉनथन स्वैग कवर फायर देंगे जरूर क्लच गॉड को बट स्वैग नॉकडाउन होंगे आरसीएस के प्लेयर्स के द्वारा। अब ये फाइट ट्रायंगल के वे में जरूर अप्रोच हो चुका है। TsmEntity जॉनथन अपना किल कंफर्म करके पैराडॉक्स को पूरा फिनिश करेंगे बट एक ग्रेनेड जाएगा आई शॉट्स के द्वारा आरसीएस के वेब नॉकडाउन जरूर और पूरा फिनिश हो गया। इनफैक्ट वहां पे वो जो नॉक था पहले अब वो कंफर्म कर देंगे। TsmEntity जॉनथन क्लाइंब अप कर रहे हैं, वो एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे मीरामर वाला मैप उनके लिए यू कैन से वरदान है बिकॉज जिस तरीके से कमबैक देखने को मिला इस वाले मैप में, कल जो याद हो आपको सेनॉक वाले मैच में भी सेम कमबैक था बट फिर वहां पे सिर्फ 2 प्लेयर थे। नियो ने वो एक जो ग्रेनेड फेंका था आखिर में दैट वाज अ वंडरफुल नेड बट वेक्सी स्पॉट हो चुके हैं। क्या ये 1 vs 1 फाइट निकाल पाएंगे जॉनथन? बट स्पॉटिंग जरूर कर चुके हैं। यस, वेक्सी विल गेट डाउन एंड मेगा स्टार्स अब इस वाले मैच से हो जाएगी बाहर। 4 vs 2 vs 1 का सिनेरियो यहां पर रहेगा। नंबर्स एडवांटेज TSM के पास पूरा जाता हुआ TSM यहां पर अपना दूसरा इंटरनेशनल चिकन डिनर निकाल सकते हैं। कल के दिन पहला आया था लूफा, यहां पर टेक डाउन हो सकते हैं जोन से, ऑलमोस्ट सर्वाइविंग, barely breathing on just 1 HP is what लूफा is doing right now. He goes down, TsmEntity को ये भी किल मिल चुका। अब सिर्फ आगे जाकर के चिकन डिनर उनको अपने खाते में करना है। रेक्स बचे हुए, आई शॉट्स बचे हुए, जॉनथन सबसे आगे जा रहे हैं इस पूरी फाइट को अंजाम देने के लिए। नियो पीछे के एरिया पर है, 4 vs 2 का सिनेरियो है। रेक्स गोस डाउन, 50 HP उनकी डाउन होती ग्रेनेड से, बाकी क्लच गॉड की यहाँ पर गन कर देगी कमाल। एक आखिरी प्लेयर बचता है, आई शॉट्स, he can spot people but he cannot shot people. TsmEntity एक और चिकन डिनर यहाँ पर अपने खाते में करती है सुपर वीकेंड का। अपने प्रोफेशनल करियर में TsmEntity दूसरा एक ग्लोबल विनर चिकन डिनर निकाल के जाएंगे। इन किसी वे में मीरावर वाले मैच में जहां पे स्टार्टिंग में 2 किल निकाले थे एंड वो एक कमबैक में बोलूंगा एक प्रॉपर